नमस्कार, मैं विनेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश के दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे विनम्र निवेदन है हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ दिन भर के मुख्य समाचार। ग्लोबल एजुकेशन कॉन्क्लेव छत्तीसगढ़ में हिमाचल का प्रतिनिधित्व करेंगे युद्धवीर टंडन। छत्तीसगढ़ में नवंबर माह में होने वाले ग्लोबल एजुकेशन कॉन्क्लेव में चंबा के शिक्षक युद्धवीर टंडन प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 14 से 15 नवंबर को ग्लोबल एजुकेशन कॉन्क्लेव होगा। इसे गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ नाम दिया गया है। वहीं इस कॉन्क्लेव में देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सहित करीब 50 शिक्षक शोधार्थी और शिक्षाविद हिस्सा ले रहे हैं। इस सम्मेलन में प्रदेश एकमात्र शिक्षक के रूप में शिक्षक खंड सुनला की आने वाली प्राथमिक पाठशाला अनोगा के कनिष्ठ अध्यापक युद्धवीर टंडन का चयन हुआ है। रोक हटी, अब किसान लगवा सकेंगे बोरवेल, ऑनलाइन ही करना होगा आवेदन। प्रदेश भर के किसान अब दोबारा बोरवेल लगवा सकते हैं। राज्य में 22 अक्टूबर 2018 के बाद बोरवेल नहीं लग रहे थे। हाई कोर्ट ने ग्राउंड वाटर रेगुलेशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत बनाए गए नियमों और नीतियों का अवलोकन करने के आदेश विभाग को दिए थे। इनका अध्ययन करने के बाद विभाग ने इन नियमों में संशोधन किया है। अब दोबारा से किसानों को बोरवेल लगाने की सुविधा दे दी गई है। वहीं प्रदेश ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने 16 अगस्त 2021 से इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। सेना के जवान ने मारी खुद को गोली, उत्तर प्रदेश का था निवासी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पठानकोट इलाके के ढांगू में सेना के जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जवान ने अपनी ही सर्विस राइफल से खुद को गोली मारी है। गोली लगने से जवान की मौत हो गई। हालांकि जवान के खुद को गोली मारने के कारणों के संबंध में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं सेना में तैनात यह जवान राघविंदर सिंह पुत्र दर्शन सिंह गांव किशनगढ़ डाकघर सांगल खिली तहसील व जिला एटा उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। शव को पंचनामे के लिए नूरपुर अस्पताल लाया गया है। पुलिस ने आत्महत्या के धारा के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दिया और मृतक के घर वालों को सूचित कर दिया है। कड़की में फंसकर मृत मिला तेंदुआ, तेंदुए का पिछला भाग व टांगे बुरी तरह मिले चोटिल। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के उपमंडल अंब के तहत ठरठल क्षेत्र में पड़ते जंगल में मृत तेंदुआ बरामद हुआ है। मृत तेंदुए की मौत कड़की यानी जंगल जानवरों के शिकार के लिए बनाया गया जुगाड़ में फंस जाने के कारण हुई है। दाई टांग की चमड़ी में फंसी कड़की को लेकर इधर उधर भागने से तेंदुआ का पिछला भाग व टांगे बुरी तरह से चोटिल हुई है। वहीं चमड़ी उधेड़ने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। चीनी बंगला के पास सड़क हादसा, युवती की मौत, दो घायल। हिमाचल प्रदेश में होने वाले सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रदेश में प्रतिदिन सड़क हादसों की खबरें सामने आ रही हैं। ताज़ा मामला शिमला जिले से सामने आया है। यहां एक तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। सड़क हादसे में एक युवती की मौत हो गई जबकि एक युवक व अन्य युवती घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा तेज रफ्तार के चलते हुआ है। बताया जा रहा है कि घायलों को IGMC में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जाँच की जा रही है। इसके अलावा बात करें तो बताया जा रहा है कि चायल से शिमला आ रही कार T102HP3366 में दो युवतियां व एक युवक सवार थे। इसी बीच चीनी बंगला के समीप कार हादसे का शिकार हो गई। लोगों ने जब कार को देखा तो पुलिस को सूचित किया। वहीं सूचना मिलते ही ढली पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को उपचार के लिए IGMC पहुंचाया, जहां पर इलाज के दौरान एक युवती ने दम तोड़ दिया। युवती की पहचान दीक्षा के रूप में हुई है जबकि अंजना 22 वर्षीय व प्रवीण घायल हैं। गाय ने खाया विस्फोटक, जबड़ा उड़ने से हुई लोलुहान। घास चरने गई एक घास के विस्फोटक खाने से गाय के घायल होने का मामला सामने आया है। घटना जिला बिलासपुर के शाह तालाब में हुई है। जिला बिलासपुर में यह विस्फोटक के द्वारा गाय के जबड़ा लोलुहान होने का यह तीसरा मामला है। वहीं जानकारी के अनुसार जिला बिलासपुर के तलाई क्षेत्र के गौ विज्ञान केंद्र गौशाला बाबा बालकनाथ जम्बोला से गाय घास चरने गई और गाय का जबड़ा फट गया। गत रविवार को गौशाला की 90 गायों को सुबह गौशाला के साथ लगते खड नुमा एरिया में चरने के लिए उन्हें छोड़ा गया था। अचानक उस तरफ से विस्फोट की आवाज़ आई, जिस पर वहां जाकर देखा तो गाय का जबड़ा फटा हुआ था और पूरी तरह से लोलुहान था। इसकी जानकारी तुरंत गौशाला के प्रधान यशपाल को दी गई और डॉक्टरों को बुलाकर उसका इलाज किया गया। जयराम ठाकुर ने कंगना को दी पद्मश्री मिलने पर बधाई।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को पद्मश्री मिलने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा कि राज्य के लोग कंगना रनौत का प्रतिष्ठित पुरस्कार मिलने से प्रसन्न है। वहीं ठाकुर ने आशा व्यक्त की कि रनौत अपने काम के माध्यम से राज्य का नाम रोशन करती रहेंगी। मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी बनेगा हिमाचल प्रदेश का दूसरा राज्य विश्वविद्यालय। उपचुनाव में मिली हार के बाद जयराम ठाकुर ने मंडी जिला को बड़ा तोहफा दिया है। क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी को हिमाचल प्रदेश का दूसरा राज्य विश्वविद्यालय बनाने का फैसला लिया गया है। वहीं प्रदेश के 5 से 6 जिलों के कॉलेजों को इस नए राज्य विश्वविद्यालय से संबद्धता होगी। मंत्रिमंडल ने मुख्य सचिव राम सुभग सिंह की अध्यक्षता में राज्य विश्वविद्यालय की रूपरेखा तैयार करने के लिए कमेटी का गठन करने को मंजूरी दी है। PhD की 200 रिक्त सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा लेगा सीयू। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला भिन्न विभागों में PhD की रिक्त सीटों को भरने के लिए जल्द ही प्रवेश परीक्षा लेगा। इन सीटों को भरने के लिए सीयू प्रशासन जल्द ही शेड्यूल जारी करेगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जानकारी अपलोड कर दी गई है। वहीं सीयू की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई सूचना के मुताबिक सीयू के भिन्न विभागों में PhD अकादमिक सत्र 2021-22 की भिन्न विभागों में 200 रिक्त सीटें हैं। वहीं इन सीटों को भरने के लिए मुख्य प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसकी आधिकारिक तौर पर सूचना परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से जल्द ही विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। पहली क्लास से ही फूड सेफ्टी के नियम सीखेंगे बच्चे, मिड डे मील बनाने वाली अपडेट जरूर जानें। पूरे भारतवर्ष सहित हिमाचल के स्कूलों में अब पहली कक्षा से ईट राइट स्कूल कार्यक्रम लागू होगा। स्कूल पहुंचते ही छात्र स्वच्छता मानकों को अपनाएंगे। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुरूप स्कूलों में जहां मिड डे मील वर्कर खाना बनाएंगी, वहीं स्कूलों के छात्रों को भी पौष्टिक आहार के लिए जागरूक किया जाएगा। वहीं मंगलवार को जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत हमीरपुर में हो गई है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल हमीरपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विभिन्न स्कूलों से प्रबंधकों व मिड डे मील वर्कर को खाद्य सामग्री प्रयोग संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाई गई हैं। एक्शन मोड में जयराम ठाकुर, हाईकोर्ट में भर्तियों से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा की दिए ये निर्देश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंगलवार एडवोकेट जनरल के साथ बैठक की। प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित पड़े मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सके, इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की ताकि भी इन विभागों में खाली पड़े पदों को शीघ्रतापूर्वक भरा जा सके। शिक्षा विभाग में भी इन श्रेणियों के पद रिक्त पड़े हैं। शिक्षा विभाग से जुड़े कई मामले अदालत में लंबित पड़े हुए हैं। इस मामले में शीघ्र अदालत में अपील दायर करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि ऐसे मामलों को अदालत से बाहर लाया जा सके। वहीं जयराम ठाकुर ने विधानसभा चुनाव से पहले सरकार लंबित पड़े भर्तियों के मामलों को निपटा लेना चाहती है, इसको लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर हो गई है। वहीं उपचुनाव में हार के बाद मुख्यमंत्री पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं। 2 दिन पहले भी CM ने अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें कड़े निर्देश दिए थे। इसके अलावा साथ ही विकास कार्यों व बड़े प्रोजेक्टों को लेकर गंभीर होने की बात CM जयराम ठाकुर ने कही है। इसके अलावा स्कूल खोलने के सवाल पर CM ने कहा कि अभी सभी राज्यों ने शिक्षण संस्थान खोल दिए हैं, ऐसे में अब कोविड से बचाव के उपायों को अपनाते हुए पढ़ाई शुरू करवानी होगी। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। वहीं कोविड महामारी के कारण बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुकी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने NPS कर्मचारियों की 2008 की अधिसूचना की मांग पर कहा कि जल्द ही JCC की बैठक बुलाई जाएगी, इसमें इस पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। CM ने कहा कि कर्मचारियों की मांगें उनके ध्यान में है, जायज़ मांगों का समाधान किया जाएगा। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिनभर की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।